एमसी हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मोतियाबिंद, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी नए आईएमसी एसोसिएट है हमारे यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो हफ्ते में दो बार आते हैं, वो पूरी तरह से एजुकेशन से परिपूर्ण होते हैं, वो आपकी टीम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, साथ में आपके लिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो की जानकारी को शेयर भी करिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोतियाबिंद जब किसी को होता है तो उनमें जो समस्या उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें जो लक्षण होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो मोतियाबिंद में पहला लक्षण होता है कि किसी व्यक्ति को जब मोतियाबिंद होता है तो उसको साफ दिखाई नहीं देता है, और दूसरा लक्षण उनको ये आती है कि आँखों के सामने काले धब्बे, घेरे के रूप में काला धब्बा दिखाई देता है। तो ये दो लक्षण आपको समझ में आता है जब किसी को मोतियाबिंद की शिकायत होती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें आईएमसी का एलो ज्योति और एलो ज्योति प्लस रिकमेंड करना है। दिन में 3 बार इसको हम डाल सकते हैं आँखों में, और एक एक बूंद आँखों में डालना है, और साथ में हम यहाँ पे जूस फॉर्म में देने वाले हैं एलो संजीवनी जूस 30-30 ml सुबह शाम खाली पेट देना है, एलो नोनी जूस सुबह शाम खाली पेट देना है, श्री तुलसी ड्रॉप को 2-2 बूंद सुबह शाम खाली पेट देना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टैबलेट फॉर्म में हमें क्या देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें टैबलेट फॉर्म में देना है नॉरिश मोरिंगा 1-1 सुबह शाम देना है, उसको सेवन करना है, और यहाँ पे तो नेचुरोमेगा 1 सुबह 1 शाम सेवन करें। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट हमें रिकमेंड करना है जब किसी को मोतियाबिंद की समस्या हो। तो दोस्तों, वीडियो की नॉलेज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपनी टीम जो बना रखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पे, जहाँ पे अपने ग्रुप बना रखा होगा, इस वीडियो की जानकारी को शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे आपका काम 50% कम हो जाएगा, क्योंकि आईएमसी हेल्प आपकी जो भी समस्याएं होती है, समय नहीं दे पाते अपने टीम को, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होगी। वो अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए और एजुकेशन देने के लिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। गुड आईएमसी।